दोस्तों बात करते हैं कक्षा 10 में जो आपका विज्ञान का पेपर 4 तारीख को होने वाला है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीन तीन करके आते हैं, तो तीन सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो 3 त्रिका 9 अर्थात 10 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके क्लियर हो जाते हैं। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इनकी बात कर लेते हैं। अगर आप इतने तैयार कर लेंगे तो आपके करीब पूरे में पूरे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिखा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है क्या? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है तो Na2CO3 × 10H2O, इसको याद कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया है। आगे, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कब होता है 7? यह 2000 का जो 2020 का पेपर है उसमें आप देखिएगा यह क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया नहीं करती? तो आपकी जो सोडियम होगी वो साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया नहीं करती है। क्या? जल से अभिक्रिया नहीं करती है, ये हो गया सोडियम। आगे देखेंगे, प्रोपेनाइल में क्रियात्मक समूह है तो OH है। कौन सा क्रियात्मक समूह है? OH है। आगे देखेंगे, पोटास एलम अर्थात इसको फिटकरी बोलते हैं, फिटकरी को बोलते हैं, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र है तो यह फिटकरी का सूत्र बहुत बार पूछा गया है। तो क्या याद कर लेंगे? K2SO4 × Al2 × SO4³³ × 24H2O, इसको लिख के भैया 2-3 बार याद कर लेंगे, नहीं इतनी जल्दी याद नहीं होगा और यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आगे देखेंगे, एंटीमनी है तो एंटीमनी जो है उपधातु है। क्या है? न धातु है न अधातु है, यह क्या है? उपधातु है, एंटीमनी। आगे देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन होता है, तो जलीय विलयन अम्लीय होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। आगे देखेंगे, एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम है तो एथनोइक अम्ल है। एस्टिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथनोइक अम्ल है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से एल्कीन है तो C2H4 क्या है? एल्कीन है। आगे देखेंगे, सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है, जो आवर्त सारणी है उसमें सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व क्या है? के है। क्या है? के है। आगे देखेंगे, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है तो Mg मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ दर्शाता है। क्या? लिथियम विकर्ण संबंध, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, यूरेनियम है तो यूरेनियम क्या है? आपका रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व है, या केमिस्ट्री के कम्प्लीट होते हुए दोस्तों 2 वीडियो में आपके क्लियर कराएंगे। केमिस्ट्री के आधे क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं, आधे दूसरी वीडियो में कराएंगे। बस आप इतने तैयार कर लेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे देखेंगे, विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है बोर्ड पेपर में, जो कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर आता है उसमें, या तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा या एक नंबर में पूछ लेता है। तो मैंने जितनी भी विटामिन थी उनके रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों को लिख दिया है, तो आप सब तैयार कर लेंगे, समझे। अब देखेंगे, ये भी याद रखेंगे, विटामिन की खोज फंक ने किया था, और किसने किया था? फंक ने किया था, और विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने 1912 में किया था। और दोस्तों अगर विटामिन की खोज पूछेगा तो हॉपकिंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हॉपकिंस। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको सिर्फ फंक मिलेगा तो खोज और नामकरण दोनों इन्होंने किया था तो लिख सकते हैं। अगर आप अदर क्लास कक्षा 11 में जाएंगे तो उसमें यह बताया जाएगा कि विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी, जबकि इसका नामकरण अर्थात इसको खोजे गए जो पोषक तत्व थे इसको विटामिन किसने कहा, तो किसने कहा था? 1912 में फंक ने कहा था। लेकिन आप सिर्फ यही याद रखेंगे फंक ने बस। अब देखेंगे, विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया रेटिनॉल। क्या हो गया? रेटिनॉल। इसकी कमी से होने वाला रोग हो गया रतौंधी। आगे देखेंगे, विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो गया थायमिन। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी हो गया। आगे देखेंगे, विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेमिंग हो गया। इसकी कमी से होने वाला रोग किलोसिस हो गया। आगे देखेंगे, विटामिन B6 इसका रासायनिक नाम पिरेडॉक्सिन या पेरिडॉक्सिन हो गया, और इसकी कमी से होने वाला रोग रक्ताल्पता हो गया। आगे देखेंगे, विटामिन B12 तो इसका रासायनिक नाम हो गया साइनोकोबालामिन, और इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया हो गया। आगे देखेंगे, विटामिन सी इसका रासायनिक नाम स्कार्बिक अम्ल हो गया। इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी हो गया। आगे देखेंगे, विटामिन डी तो इसकी कमी से होने वाला रोग कैल्सिफेराल हो गया, और इसकी कमी से होने वाला रोग रिकेट्स हो गया। अब देखेंगे, विटामिन ई इसका रासायनिक नाम टोकोफेराल हो गया। इसकी कमी से होने वाला रोग जनन क्षमता में कमी हो गया। आगे देखेंगे, विटामिन के तो इसका रासायनिक नाम नेफ्थाक्लिनान हो गया, और इसकी कमी से होने वाला रोग तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। कौन सी? विटामिन के। अब इतने क्वेश्चन विटामिन से आ सकते हैं, जब इतनी विटामिन जल में भी से घुलनशील वसा में ADK हो गया, तो सबके रासायनिक नाम इनकी कमी से होने वाला रोग याद कर लेंगे, शायद एक नंबर आपका क्लियर हो जाए बोर्ड पेपर में।
आगे देखेंगे, मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती तो 3 जोड़ी होती, अगर संख्या पूछेगा तो 6 लगाएंगे। बहुत बच्चे संख्या पूछा जाता 3 जोड़ी ऑप्शन में दे देता लगा के चले आते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपसे पेयर में पूछेगा तो 3 पेयर, और नंबर काउंट आप नंबर में पूछेगा, संख्या में पूछेगा तो 6, 3 दुनी 6 मतलब 6 होती है। अधोहनु अधोजिभ्या कड़मूल, इसमें सबसे बड़ी जो होती कड़मूल होती है, और इसमें जो पैरामिक्सो वायरस का संक्रमण हो जाता है तो गलसुआ जिसको मम्स बोलते हैं यह रोग हो जाता है। इतना आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस यह याद रखेंगे इन तीनों लाल ग्रंथियों में अधोहनु अधोजिभ्या कड़मूल में सबसे बड़ी जो लाल ग्रंथि होती है वह कड़मूल होती है, और इन लाल ग्रंथियों से 2 एंजाइम टैलिन तथा लाइसोजाइम का श्रावण होता है। आगे देखेंगे, क्रमिरूप प्रशेष का भाग है तो यह सीकम का भाग है। किसका भाग है? सीकम का भाग है। जो बड़ी आंत के सबसे नीचे वाला भाग होता है उसको सीकम बोलते हैं, उसके ऊपर कोलन, उसके ऊपर रेक्टम होता है। तो जो सीकम होता है उसके नीचे एक उंगली की सादृश्य संरचना निकली होती है जिससे क्रमिरूप प्रशेष का बोलते हैं, यह अवशेषी अंग भी हम लोग का। आगे देखेंगे, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो श्वसन में। किसमें भूमिका निभाता है? श्वसन में, अर्थात आरबीसी जो लाल होती है हीमोग्लोबिन के कारण होती है, और आरबीसी का काम भी मुख्य रूप से क्या होता है? ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो जो हीमोग्लोबिन होता है यही ऑक्सीजन को लाद के ले जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में ट्रांसफर करता है। आगे देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में इसकी क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख के इन सबको याद कर लीजिएगा, आपको पेपर में इससे बाहर नहीं मिलेंगे। इतने अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ऑप्शन देख के आप सही कर देंगे। अब चलिए आगे जीव विज्ञान के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भैया आप देखेंगे ये, अब जल में घुलनशील विटामिन है तो जल में बीसी है, अगर वसा में पूछ ले तो ए डी ई के, वसा में भी लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, क्या वसा में ए डी ई के है। आगे देखेंगे, द्वार सेल्स पाई जाती, भैया द्वारा नहीं सॉरी द्वार कोशिकाएं, कौन सी है? द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं तो कहां पाई जाती है? रंध्रों में पाई जाती हैं। आगे देखेंगे, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है तो फल में कौन सा भाग बदल जाता है? जो अंडाशय होता है, क्या होता है? अंडाशय होता है, यही फल में बदल जाता है निषेचन के बाद। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द्विनिषेचन विशेष लक्षण है तो आवृत बीजी पादप का, अनावृत बीजी का नहीं, भैया ये याद रखेंगे इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो द्विनिषेचन विशेष लक्षण किसका है? आवृत बीजी पादप का है, ये हो गया क्वेश्चन। आगे देखेंगे, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है तो 2 होती, कितनी होती? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कितनी होती? 2 होती है। आगे देखेंगे, मादा लिंग हार्मोन्स है तो एस्ट्रोजन है, कौन सा? एस्ट्रोजन है। मादा लिंग हार्मोन्स कौन सा है? एस्ट्रोजन है। आगे देखेंगे, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है तो नसबंदी, क्या है? नसबंदी। और जब पुरुष में होती तो इसे ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं, जब पुरुष में होती तो इसे वैसेक्टॉमी बोलते हैं, और जब महिला में नसबंदी होती तो इसे ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। वैसेक्टॉमी पुरुष में, ट्यूबेक्टॉमी महिला में, भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे, पराग कोष में होते हैं तो परागकण होते हैं, क्या होते हैं? पराग कड़ होते हैं। आप देख लेंगे थोड़ा इसमें, देखेंगे जो हमने पढ़ा था पुमंग, क्या पढ़ा था? पुमंग पढ़ा था, इसके 3 भाग थे, कितने भाग थे? 3 भाग थे। पहला था पराग कोष था, क्या था? पराग कोष। इसके नीचे था योजी, क्या था? योजी था। और सबसे नीचे क्या था? पुतंतु था, क्या था? पुतंतु था। तो जो पराग कोष है इसमें क्या होता था? पराग कणों का निर्माण होता था, क्या होता था? पराग कणों का निर्माण होता था। अब देखेंगे, अनुवांशिकता के जनक हैं तो सर ग्रेगर जान मंडल अनुवांशिकता के जनक हैं। अब देखो अनुवांशिकता से कितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि अनुवांशिकता के जो जनक है इनका जन्म कहां हुआ। तो अनुवांशिकता के जनक सर ग्रेगर जान मंडल है, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया देश के अनुवांशिकता की जनक सर ग्रेगर जान मंडल है, इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया देश के, देश का नाम भैया क्या था? ऑस्ट्रिया देश के एक कस्बा था इस देश में, ब्रून नामक कस्बा, कौन सा था? ब्रून नामक कस्बा के, और सिलसिलिया नामक गांव में हुआ था, सिलिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी याद रखेंगे, इनका देश क्या था? ऑस्ट्रिया। बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया लगा देते तो भैया वह गलत है, ऑस्ट्रिया दूसरा देश है, यह देश इनका जो मंडल जी का है कौन सा? ऑस्ट्रिया देश है, और उसमें एक कस्बा है ब्रून, और ब्रून में एक गांव है क्या? सिलसिलिया नामक गांव में हुआ था। आगे देखेंगे, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया तो मेंडल ने कुल मिला के अनुवांशिकता से संबंधित 3 नियम दिए,
लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ असाइनमेंट इंडिपेंडेंट अर्थात प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो तीनों नियम किसने दिए? मेंडल जी ने दिए। तीनों नियम आप बोर्ड पेपर में तैयार करके जाएंगे, आपको एक नियम यहां से मिल जाएगा। आगे देखेंगे, उत्परिवर्तनवाद का जनक कहा जाता तो ह्यूगो डी ब्रीज को कहा जाता। फादर ऑफ म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तनवाद का जनक तो ह्यूगो डी ब्रीज को कहा जाता है। आगे देखेंगे, लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत था तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति इनका मूल सिद्धांत था। आगे देखेंगे, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक है तो डार्विन की, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति, इसको लिखा था किसने? डार्विन ने। अब देखेंगे, डीएनए पाया जाता है तो केंद्रक में, किसमें पाया जाता है? केंद्रक में, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। माइटोकांड्रिया में मिलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंद्रेश क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए और आपका लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी की वीडियो बना के तथा उसकी जो आंसर भी होंगी उनको भी बना के आपके समक्ष कल अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।